ऐसा कहा जाता है कि जब महाराज जी की इच्छा होती है तो हर कार्य बड़ी ही सरलता से हो जाते हैं। हम अपने जीवन में बहुत सी परेशानियों को लेकर अपने मन को उदास कर लेते हैं, अपनी बुद्धि को बहुत ज़्यादा कोसना प्रारंभ कर जाते हैं और अपने जीवन की बहुत दुहाई देते हैं। लेकिन एक बात आपके स्मरण में रहनी चाहिए कि यदि हम महाराज जी को अपना आराध्य मानते हैं, अपना सद्गुरु मानते हैं, तो इस बात की शंका बिल्कुल भी मत रखिएगा कि महाराज जी से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में कुछ भी नकारात्मक होने वाला है। इतने समय से आप महाराज जी से जुड़े हुए हैं और यदि आपके विश्वास में ही आपको परेशानियां आने लग जाएं, तो इसके लिए भी सहायता महाराज जी से ही मांगिए। कहने का आशय है कि महाराज जी को सर्वत्र और सर्वस्व में देखना प्रारंभ करिए। जब इस प्रकार से आप महाराज जी को हर चीज में शामिल कर लेंगे, निसंदेह आपका जीवन स्वर्ग के समान हो जाएगा। तो आज का जो क्रमांक है इसी संदर्भ पर आधारित होने वाला है कि हम अपने जीवन में भला दुख की स्थिति में, परेशानी के समय में कैसे महाराज जी से प्रार्थना करके उस परेशानी से आसानी से बाहर आ सकते हैं, बिना अपने जीवन को किसी प्रकार की ठेस पहुंचाए, अपनी भावनाओं को किसी प्रकार से ठेस पहुंचाए, बड़ी ही सुगमता से, बड़ी ही सरलता से कष्ट की या दुख की घड़ी से बाहर निकलने में कैसे हमें महाराज जी सहायता करते हैं। तो इस क्रमांक को प्रारंभ करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ तक भी आज का ये क्रमांक पहुँच रहा है, उन सभी अनन्य दर्शकों को ये क्रमांक पूर्ण अवश्य सुनना चाहिए ताकि संपूर्ण जानकारी उन्हें प्राप्त हो सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। मनुष्य के जीवन में परेशानियों के उतार चढ़ाव आने से मन को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती है और ऐसा सभी के साथ होता है कि कभी ना कभी किसी न किसी दुख की स्थिति में हमारे जीवन पर, हमारे विचारों पर, हमारी भावनाओं पर इसका बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ता है। जब इस प्रकार से असहनीय स्थिति आ जाती है कि जीवन में कष्ट आ रहे हैं, कष्ट के बाद थोड़ा सा मन को समझाते हैं कि कोई बात नहीं, ये समय है, परिवर्तित होकर गुजर जाएगा, लेकिन हम क्या देखते हैं कि उस कष्ट के बाद एक और बड़ा कष्ट जीवन में प्रभावी हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य बुद्धि है, भौतिक जीवन है, तो कहीं ना कहीं मनुष्य टूट सा जाता है। ये जो विपदा की स्थिति आती है, इस विपदा से बाहर निकलने के लिए महाराज जी आपकी बड़ी सहायता करते हैं। आज के क्रमांक का मुख्य भाग यही है। तो आइए जानते हैं कि महाराज जी से कैसे हम इस बात को प्रभावी बना सकते हैं कि कैसे हम इस परेशानी से निकलें महाराज जी की सहायता अनुसार। तो देखिए, जब आपके जीवन में इस संदर्भ में स्थितियां आ जाती हैं, तो आपको केवल एक कार्य करना चाहिए। वो कार्य क्या होना चाहिए कि जब मनुष्य बार बार अपने कार्यों से गिरना प्रारंभ हो जाए, यानी कि कोई भी निर्णय लेते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, जैसे उस पर असफलता की मोहर लग जाती है, ऐसी स्थिति में कभी भी अपने गुरु का सानिध्य नहीं छोड़ना चाहिए। ये ठीक वैसी ही स्थिति है जैसे चिलचिलाती धूप में किसी तरोवर के नीचे की छाया हमें प्रदान हो जाए। गुरु का साथ इतना अद्भुत होता है। तो इसीलिए कष्ट की स्थिति में अपने गुरु का हाथ थाम कर चलने वाला अनन्य शिष्य ही जीवन के सन्मार्ग को प्राप्त कर सकता है। कहने का आशय है, यदि इसको सरल शब्दों में कहा जाए, तो आपको अपने गुरु का साथ नहीं छोड़ना है। जैसे महाराज जी पर हमारी आस्था है, तो महाराज जी का जितना सानिध्य आप ले सके, जितना समय मिलता है, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि आप अपने दिन में जब भी आपको थोड़ी सी व्यस्तता कम मिलती है, अर्थात जब आपको थोड़ा खाली समय मिलता है, उस दौरान कुछ मत करिए, केवल और केवल महाराज जी की शरण में आ जाइए। जहां पर भी आपने महाराज जी के छवि चित्र को लगाया है, कुछ समय के लिए आंखें मूंद कर अंतर मन से प्रार्थना करना सीखिए। देखिए, प्रार्थना के दो स्वरूप होते हैं। पहला स्वरूप होता है कि अपने शब्दों में, अपनी वाणी से किसी प्रार्थना का प्रारूप तैयार करके महाराज जी तक पहुंचाना, एक विधि ये है। दूसरी विधि बहुत ही चमत्कारिक है। देखिए, जो हमारे शब्द नहीं कह सकते, वो अंतर मन की स्थिति कई बार कह जाती है। तो इसीलिए दूसरी जो विधि है या दूसरा जो स्वरूप है, वो ये है कि अंतर मन से प्रार्थना करना सीखिए। बहुत से अनन्य भक्त इस बात को कहेंगे कि अंतर मन से प्रार्थना कैसे की जाती है। जिन लोगों की ये परेशानी रहती है कि जब हम कोई प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, जैसे मेरे साथ भी व्यक्तिगत रूप से यही होता है कि जब मुझे कोई प्रार्थना करनी होती है, जब बहुत ही घनिष्ठ अर्जी लगानी होती है महाराज जी तक, तो ऐसा हो जाता है कि शब्द ही नहीं मिल पाते, निशब्द सी स्थिति हो जाती है।
ऐसी निशब्द स्थिति में जब बहुत ही बड़ी प्रार्थना करनी हो, कठिन समय की प्रार्थना करने के लिए शब्द कभी मिलते ही नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा होता है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा। आप स्वयं की स्थिति पहचान कर समझ सकते हैं कि क्या मेरे साथ भी ऐसा होता है या नहीं। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। ऐसी स्थिति में आप अपने अंतर मन से प्रार्थना करना सीखिए। आप महाराज जी के समक्ष बैठ जाएं, आसन लगाकर बैठ जाएं, बड़ी सहजता से बैठ जाएं। सबसे पहला कार्य करें कि आप बिल्कुल शांत हो जाएं, कोई भी विचार मस्तिष्क में लेकर ही मत आएं। शांत अवस्था में बैठ जाइए और अंतर मन से महाराज जी को प्रार्थना करना सीखिए। और जब आप शांत हो जाएंगे, मैं आपको बता भी देता हूं कि कैसे ये सब कुछ घटित होगा। जब आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे, उस समय आपका अंतर मन अपनी परेशानी अपने आप उकेर कर अपने विचारों में इस बात को आप अनुभव कर पाएंगे। अंतर मन से एक आर्त उठेगी, एक पुकार उठेगी। ये जो आर्त की पुकार उठकर आपके मस्तिष्क में विचारों को बुनेगी, ये विचार आपकी प्रार्थना बनेंगे। और जब अंतर मन की कोई प्रार्थना आप हृदय से करते हैं, और ये हृदय से अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि जब शांत हो जाएंगे तो अंतर मन से पुकार उठकर आएगी और एक प्रार्थना का रूप ले लेगी, और ये अपने आप महाराज जी के चरणों में समर्पित हो जाएगी। बहुत आसान कार्य है ये। इससे आसान विधि आपको कोई बता ही नहीं सकता। अर्जी लगाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, ऐसा आपके साथ होगा। और जब ये धीरे धीरे आप अभ्यास में लेकर आएंगे, और अभ्यास कैसे बनेगा, रोजाना इस विधि को करें। शांत बैठ जाएं, अंतर मन की पुकार अपने आप आर्त की पुकार बनकर महाराज जी तक पहुंचेगी, और अंतर मन से की हुई कोई भी प्रार्थना किसी भी आराध्य देव के सामने कभी विफल हो ही नहीं सकती। क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि व्यक्ति विचारों को तो अलग अलग विधि से बुन सकता है। कहने का आशय है कि आप अपने विचारों में तो फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन जो अनुभूतियां या जो विचार अंतर मन से आर्त बनकर उकरते हैं आपके हृदय के पटल पर, आपके मस्तिष्क पर, वो सारी चीजें सत्यता से ओतप्रोत होती हैं, और सत्य रूप से सहृदय की हुई कोई प्रार्थना कोई शक्ति काट ही नहीं सकती। ये विधि का विधान है। ऐसी प्रार्थनाएं जब आप करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जीवन अनुकूल स्थिति में प्रतिकूल बनकर असफलता की मोहर लगा रहा था अब तक, लेकिन इस विधान से, इस विधि से, इस स्वरूप से जब आप प्रार्थना करना प्रारंभ करेंगे, हर विचार हर स्थिति पर जैसे सफलता की मोहर अपने आप लगा देगा। ये सारा समय परिवर्तित करने की शक्ति आपके हृदय में है। इसीलिए कहते हैं कि हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए, और बार बार कहा जाता है कि हृदय से कोई भी बात निकल कर आए तो वो हमेशा सत्य होती है, क्योंकि अंतर मन में ईश्वर का वास है, और अंतर मन अर्थात ईश्वर के मुख से निकले हुए कोई भी शब्द, ईश्वर के अंतर मन की बात जब किसी तक पहुंचती है तो हमेशा वो यथार्थ होती है, हमेशा स्पष्ट होती है, और हमेशा जीवन को परिवर्तित करने वाली होती है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि इस स्वरूप में यदि आप कोई भी कार्य करेंगे, आप भले ही कितने समय से परेशान चल रहे हों, लेकिन इस विधि से अगर आप कार्य करेंगे, आप देखेंगे बहुत ही कम समय में आपके हर कार्य की संपूर्णता पर सफलता की मोहर अवश्य लगेगी, आपका हर कार्य बनेगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए फलीभूत हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।